हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर, दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, आज के दिन के बहुत सारे वीडियोज़ आप लोगों को यहाँ पे स्टडी करने के लिए मिल जाएंगे। अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन से पता चल जाता है कि बहुत सारे लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कॉपी मतलब यहाँ पे अगर कुछ चीज़ों से रिलेटेड अगर पॉजिटिव बातें यहाँ पे होती है तो डायरेक्टली जाके बाय कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, सिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों, तो ज़रूर इसको सपोर्टिव वे में ही सिर्फ आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ पे स्टडी करने के लिए देखना चाहिए। सो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोस को आपको मिल जाएंगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यूजुअली 5 से 6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ को ही यहाँ पे कवर करने वाले, बट है बहुत ही ज़बरदस्त एंड मज़ेदार खबरें। सो सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे करेंगे दोस्तों हुडको से। यस, HUDCO, हुडको की अगर हम लोग बात करें तो सरकार बेस्ड कंपनी, आप लोग चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। एंड स्टॉक देखिए क्या गजब का क्रैश होते हुए देखने को मिला है, लगभग 6.25% की गिरावट। एंड ये गिरावट मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हम कह सकते थे इस तरीके की चीज़ें होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, क्योंकि आप सभी लोग पता है कि इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो कितना है 89%। तो सरकार यहाँ पे कभी ना कभी हिस्सा यहाँ पे बेचने ही वाली थी, तो OFS के चलते यहाँ पे हिस्सा बेचने का प्लान यहाँ पे सामने आ चुका है। कोविड के चलते हम लोग कह सकते हैं ये जो हिस्सा बिक्री का प्रकरण थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकता है, तो कुछ कंपनीज को यहाँ पे छूट भी मिल सकती है, मतलब हम लोग कह सकते हैं ना कि थोड़ा सा एक्सटेंशन भी यहाँ पे हो सकता है। बट फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे OFS से रिलेटेड फाइनली खबर हम लोग को यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जो फ्लोर प्राइजिंग है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। एक काम कर लेते हैं, हम लोग वेबसाइट को रेफर कर लेते हैं, यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे लिखा हुआ है। सो गवर्नमेंट टू सेल अप टू 8% स्टेक इन हुडको वाया OFS ऑन 27-28 जुलाई, फ्लोर प्राइस 45। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 45 मतलब वहाँ तक हम लोग को वो स्टॉक एडजस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा। इससे कम अगर हम लोग बात करें सेंटर कितना, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, 720 करोड़ रुपीज़ इतना अमाउंट यहाँ पे OFS से सरकार यहाँ पे जुटाने वाली है। सो 720 करोड़, अगेन कहना चाहूँगा रुपीज़, बहुत बड़ा अमाउंट है। 45 मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, उसी के आसपास जाते हुए स्टॉक देखने को भी मिल सकता है। सो यहाँ पे ये ऑलरेडी हम लोग कह सकते हैं, आप सभी लोगों को बताया IRCTC में भी हम लोग बीच में निवेश नहीं कर रहे थे, यही OFS का खतरा था। फाइनली यहाँ पे भी OFS आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करें तो ITC का भी जो डर हम लोग को देखने को मिल रहा है, यही डर है कि यहाँ पे सरकार जितने भी उनकी होल्डिंग्स है हमें यहाँ वहाँ पे बेचते हुए देखने को मिल रही है। सो ITC में भी वो एक डर यहाँ पे बैठा हुआ है। अभी वो होगा नहीं होगा कोई भी यहाँ पे बता नहीं सकता, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल ये चीज़ होती है। आज के दिन आप लोग देख सकते हैं सडनली यहाँ पे 26 तारीख के दिन ये न्यूज़ सामने यहाँ पे आ गई। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए 26 तारीख आज के दिन ये न्यूज़ सामने आ गई कि अभी यहाँ पे क्या करने वाले, अपना हिस्सा बेचने वाले हैं। सो यहाँ पे हुडको की तो बात हो गई है, क्या यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए, मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। इतना जल्दबाजी तो बहुत महंगी हो सकती है, एंड जहाँ पे सरकार है वहाँ पे तो आप लोगों ने संभल कर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो एग्जिट करने का प्लान यहाँ पे बना रहे हैं। देन दोस्तों बात करेंगे पेटीएम का IPO। यस, पेटीएम का IPO की बात करें तो इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बड़ा IPO यहाँ पे होने वाला है। इंडिया का सबसे बड़ा IPO हुआ था कोल इंडिया का। यस, कोल इंडिया की बात करें आज तक का सबसे बड़ा IPO है। उसके बाद अगर कोई IPO यहाँ पे आने वाला है तो वो है लगभग पेटीएम का IPO, एंड वो यहाँ पे आने वाले हैं लगभग बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, आप लोग चाहो तो ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। अभी कौन सा चल रहा है, जुलाई, जुलाई के बाद यहाँ पे अगस्त, देन सितंबर, देन अक्टूबर, 3 महीना पकड़ के चल लो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे 3 महीने में पेटीएम का मतलब इंडिया का सबसे बड़ा IPO आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मतलब हम लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि साइज़ इसकी बढ़ी ही रहेगी, पर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो जो राकेश झुनझुनवाला ने एक पॉइंट यहाँ पे मतलब कहा था कि मैक्सिमम कंपनीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पे IPO लेके आ रही है, एंड अगर वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे मतलब प्रीमियम के ऊपर ही सारे IPOs लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत ही तेज़ी से भागते हुए देखने को मिल रहा है, एंड हर एक कोई कंपनी क्या कर रही है यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उनकी खुद की कंपनी की भी अगर हम लोग बात करें, उनकी खुद की मतलब जहाँ पे उन्होंने अनलिस्टेड मार्केट में निवेश किया है, स्टार हेल्थ, यस, वो भी यहाँ पे आप लोगों को IPO लेते आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले, क्योंकि हर एक कोई यहाँ पे इसका एडवांटेज लेना चाहेगा बुल मार्केट का। एंड दोस्तों आप देख सकते हैं प्रॉब्लम क्या है, पेटीएम की भी बात करें दोस्तों तो ये भी कंपनी लॉस में ही चल रही है, सेम लाइक जोमैटो। जोमैटो भी लॉस में ही है, पेटीएम भी लॉस में है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पेटीएम की बात यहाँ पे चल रही है ब्रेक इवन पॉइंट,
होप किया जा रहा है कि 18 मंथ यहाँ पे लग सकता है। ऑब्वियसली रिपोर्ट्स के जरिए एक्सपेक्टेशन सामने आ रहे हैं, 18 मंथ मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं लगभग 1.5 साल, 1.5 साल तक हम कह सकते हैं कि ये कंपनी लॉस से बाहर आ सकती है, ऐसा प्रेडिक्शन यहाँ पे किया जा रहा है। मतलब ये भी कंपनी एक लॉस वाली ही कंपनी है, सो डायरेक्टली निवेश करना रिस्की हो सकता है। लिस्टिंग गेन के लिए हम लोग ज़रूर देखेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसे चल रहा है उसके ऊपर। सो ये पॉइंट्स दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा दोस्तों जो भी IPO अभी अभी बाज़ार में आ चुके हैं, प्लीज़ उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार चेक कर लेना क्या वो कंपनियाँ प्रॉफिट कमा रही है, अच्छा कंसिस्टेंट नंबर्स दिखा रही है, तभी जाके निवेश करना। वरना सिर्फ बुल मार्केट में तो कैसे हर जगह से पैसा बनता है, वरना जिस दिन गिरेगा वापस वहाँ पे कमबैक होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो जैसे मैंने कहा था कि जोमेटो का IPO में मैं खुद लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए तैयार हूँ, बट कब, कंपनी पहले प्रॉफिट पे आ जाए, ब्रेक इवन दिखा दे, फिर हम लोग बात करेंगे, राइट। अननेसेसरी जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी हमेशा महंगी पड़ती है, राइट। सो पेटीएम का भी IPO आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आने वाला है, 18 मंथ तक यहाँ पे ब्रेक इवन का टाइम यहाँ पे लग सकता है। सो अभी जस्ट नाम लिया था यहाँ पे मैंने जोमेटो का, तो आप देख सकते हैं जोमेटो में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रहा है। मैं अगेन कह रहा हूँ तेज़ी देख के सिर्फ ब्लाइंडली निवेश मत करना, अरे अभी ये 138 का हो गया, कुछ दिन पहले 120 के आसपास था, 25 के आसपास था, अभी 140 का 200 हो गया, तो हमारा मतलब अपॉर्चुनिटी तो नहीं खो जाएगा दोस्तों। ऐसे प्राइस देख के जिस दिन आप लोगों का फोकस प्राइस के ऊपर आ गया, आप लोग आज नहीं तो कल बाजार में अटकोगे। आपका फोकस कंपनी का बिजनेस, उनके फंडामेंटल्स, उनके लॉन्ग टर्म विजन, ये सारी चीज़ें जोड़कर आपने देखनी चाहिए, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बाकी खुद का डिसीजन आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं फंसना है, फंसना है मतलब इंडसइंड बैंक की बात करें तो स्ट्रगल कर रहा है, एंड फंसना है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि फंसना नहीं है करके, क्योंकि इंडसइंड बैंक से रिलेटेड एक गजब की पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे आ सकती है। किससे रिलेटेड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इंडसइंड बैंक यहाँ पे 30,000 करोड़ यहाँ पे हम लोग को डेप्ट एंड इक्विटी से रेज यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं तो न्यूज़ तो बहुत ही पॉजिटिव है, 30,000 करोड़ मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है, राइट। सो ये जब भी ये न्यूज़ यहाँ पे हम लोग को इससे रिलेटेड अपडेट देखने को मिल सकता है, इंडसइंड बैंक में ट्रेडिंग के लिए वो एक न्यूज़ रहती है, जंप आता है। सो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाओगे इस न्यूज़ के चलते तो आप लोग अटक सकते हो, तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आप लोगों ने संभल कर रहना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, एज यूजुअल जैसे मैंने कहा था कि बड़ी गिरावट हो सकती है इस कंपनी में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप बाज़ार में ऐसे ही मेरे वीडियोस को 2 साल देखते रहोगे, उसके बाद आप भी खुद प्रेडिक्ट करना शुरू हो जाओगे। सिर्फ प्रैक्टिस करने की मतलब इच्छा होनी चाहिए, प्रैक्टिस जितना करोगे इतना तो इंप्रूवमेंट आएगा, ये मैं इससे पहले भी आपको बोल चुका हूँ। आप चाहो तो मेरा फर्स्ट वीडियो जाके देख लेना यूट्यूब के ऊपर, आपको समझ में आएगा मैं पहले कैसे बात करता था, एंड आज जाके देख लेना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूवमेंट हो जाएगा किसी भी फील्ड में आप लोग हो, राइट। सो चलो बात कर लेते हैं DB कॉप की। दैनिक भास्कर, जैसे मैंने कल आपको बताया था, दैनिक भास्कर का स्टॉक तो है नहीं बट उनकी ओनर की कंपनी यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 6.25% की गिरावट। रीज़न वही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे जो इनके ऊपर आरोप लगाया कि 700 करोड़ पिछले 6 साल में ये जो इनकम उन्होंने कमाया उनके ऊपर जो टैक्स बनता था वो उन्होंने नहीं दिया है। सो इसी के चलते ये यहाँ पे सारा खेल हम लोग को देखने को मिल रहा है, उस खेल का पार्ट हमें नहीं बनना है, हमें सिर्फ ऑडियंस बन रहा है, मतलब सिर्फ देखना है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी है ऐसा मतलब मैं तो बता सकता हूँ, क्योंकि अनसर्टिनिटी में क्यों जंप करेंगे, होगा नहीं होगा, एंड वैसे भी स्टॉक इतना फंडामेंटली भी मजबूत नज़र नहीं आ रहा है। सो इसको अभी आप चाहो तो इग्नोर यहाँ पे कर सकते हो। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें अगेन यहाँ पे अदानी स्टॉक से रिलेटेड, वापस हम लोग को बाजार गर्म होते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे संसद हम लोग को चलते हुए वैसे भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, एंड इससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था दोस्तों लोकसभा के जो मेंबर हैं, मैं कोई पॉलिटिक्स में घुसना नहीं चाहूँगा, बट यस हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर एक कोई मेंबर रहेगा लोकसभा का एंड अगर वो कोई भी सवाल यहाँ पे पूछा जाता है सरकार को, तो ऑब्वियसली वो आंसरेबल रहते हैं, ऐसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो यहाँ पे मैं कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं करना चाहूँगा, बट हम लोग यहाँ पे देख सकते अगेन वही नाम जिससे रिलेटेड हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने लेटर लिखा था किसको, फाइनेंस मिनिस्टर को, एंड सेम इन्वेस्टिगेशन किससे रिलेटेड, अदानी ग्रुप के कंपनी से रिलेटेड, कि जो FPIs की जो बातें यहाँ पे चल रही है, किसका पैसा यहाँ पे अदानी में लग रहा है, किसका इंटरेस्ट है इन कंपनीज़ में, तो इससे रिलेटेड अगेन बातें हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे आज के दिन इस न्यूज़ के चलते भी थोड़ा सा हम लोगों को अदानी के स्टॉक्स में नर्वसनेस देखने को यहाँ पे मिला था, एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अदानी ने इससे रिलेटेड जो अपना पक्ष रखा था AGM में भी आप लोगों ने देखा था कि उन्होंने कहा था कि उनके जितने भी यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है, जो भी चीज़ें यहाँ पे कंपनी के ऊपर आरोप लगा रहे वो बेबुनियाद है, पूरी ट्रांसपेरेंट कंपनी है, ये भी उन्होंने यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे बताया हुआ है। बट ये मुद्दा वापस हम लोगों को यहाँ पे उछलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जब ये मुद्दा उछाला जाएगा डेफिनेटली अदानी के स्टॉक्स में आप लोगों को एक
हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अगेन कह रहा हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज़ इसीलिए क्योंकि अगर हम लोग बात करें लोकसभा के मेंबर है जब ऐसी चीज़ों को पकड़ दें तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही सीरियस इशू यहाँ पे बन सकता है। सो अदानी के शेयर्स अगर आप लोगों ने अभी तक निवेश नहीं किया है तो डेफिनेटली आप लोग फिलहाल ऑडियंस बनकर ही इन चीज़ों को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। एंड अगर फिर भी अगर किसी को जाने बोल रहे हैं कि सर हमें रिस्क लेना ही है, तो जैसे मैंने कहा कि मिनिमम अमाउंट के साथ रिस्क लीजिए कि कल जाकर अगर आपको कोई नुकसान हुए तो कंपैरेटिवली ज़्यादा नुकसान आप लोगों को होना वहाँ पे नहीं चाहिए। सो दोस्तों जो ये न्यूज़ मैंने अभी आप लोगों को बताई वो आज ही के दिन की है, जो कि आप लोगों को लगेगा कि रिपीट हो रही है। रिपीट इसीलिए हो रही है क्योंकि वापस यहाँ पे ये चीज़ें हम लोगों को उछालती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है एंड ये आगे भी होने वाला है। सो अदानी के शेयर होल्डर ने इन चीज़ों की ज़बरदस्त यहाँ पे प्रिपरेशन रखनी चाहिए। नेक्स्ट एंड आखिरी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड, यस एक ज़बरदस्त सीखने वाली बात अभी हम लोग को यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे कि आपको पता है हम लोग बहुत ही लिमिटेड पेनी स्टॉक्स की बात करते हैं, बट मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ऊर्जा ग्लोबल के बारे में अभी हम लोगों को कंपैरेटिवली थोड़ा कम बात करना यहाँ पे पड़ सकता है। मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है ऊर्जा ग्लोबल से रिलेटेड दो बड़ी बड़ी नेगेटिव खबरें यहाँ पे सामने आ चुकी हैं एंड उसी का रिजल्ट है कि कंपनी लोअर सर्किट में यहाँ पे आ चुकी है। इसके पहले भी ऊर्जा ग्लोबल के ऊपर लोअर सर्किट लग चुका था, बट शायद से ऐसा लग रहा है कि ये लोअर सर्किट थोड़ा सा लंबा भी चल सकता है क्योंकि जो कंसर्न रेज किए गए हैं वो थोड़े मतलब हम कह सकते हैवी वेट्स है। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दो नेगेटिव खबरें, उसमें से नंबर वन खबर है यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट। यस 23 तारीख को कंपनी के नंबर आने वाले थे, नंबर्स यहाँ पे नहीं आए, राइट। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि टाइमली यहाँ पे चीज़ों का रिपोर्टिंग यहाँ पे नहीं हुआ है एंड इसके पीछे का रीज़न कोई कोविड भी नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा इसके पहले भी बहुत सारे कंपनी के नंबर जो शेड्यूल्ड डेट थी उसके आगे पोस्टपोन हुए, बट उनका रीज़न था कोविड के चलते। किसी को पर्सन को शायद से कोविड से रिलेटेड इश्यूज होते होंगे, हालांकि कोई अभी फिजिकली मीटिंग नहीं होती है, वर्चुअली होती है, बट स्टिल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो रीज़न है वो कोई कोविड का यहाँ पे नहीं है। लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट यहाँ पे ऑडिटर की अगर हम लोग बात करें वो अभी तक प्रोवाइड नहीं हुआ है, उसके चलते बोर्ड ने फिलहाल यहाँ पे जो फाइनेंशियल के जो रिजल्ट रहते हैं वो अभी तक यहाँ पे साइन नहीं किया है। आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। सो इसी के चलते हम लोग को ये चीज़ें डिले होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि आप कह सकते हैं DGGI ने अरेस्ट किया है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO किसके ऑफ ऊर्जा ग्लोबल इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट के फ्रॉड केस में। यस दोस्तों ये न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है एंड इसी के चलते अगर आप लोग इन चीज़ों को देखोगे, ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक 5% लोअर सर्किट आफ्टर द GST डिपार्टमेंट डिटेन CFO मतलब अरेस्ट किया है एंड उसी के साथ साथ होल टाइम डायरेक्टर के ऊपर भी ये आरोप है। मतलब जो पर्सनैलिटी हम लोग को देखने को मिल रही है CFO एंड होल टाइम डायरेक्टर, ये सारे के सारे हम लोग को मैनेजमेंट के ही व्यक्ति देखने को यहाँ पे मिलते हैं एंड इतनी ज़बरदस्त आरोप इनके ऊपर लगे हैं एंड सिर्फ आरोप लगे नहीं, इनफैक्ट अरेस्ट भी किया जा चुका है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में उन्होंने यहाँ पे गफला यहाँ पे किया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब हम कह सकते हैं कि टैक्स उन्होंने प्रॉपरली पे नहीं किया। GST आप सभी लोग पता है जितना इनकम होता है उसके अगेंस्ट आप लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट आप लोग जो प्रॉपरली जो रहते हैं चीज़ें उसका डिमांड आप लोग कर सकते हो, बट इनपुट टैक्स क्रेडिट में ये जो बहुत सारे हम लोग को गफले फिलहाल यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं ऊर्जा ग्लोबल अभी ज़बरदस्त यहाँ पे प्रेशर में रहेगा। अगेन कहना चाहूँगा यस ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है खल अगर ये जीरो भी हो गई तो, क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे पोर्टफोलियो में होने के बावजूद मैं बिंदास यहाँ पे बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी है, सीखने लायक, लर्निंग पर्पस। तो एक भी एक अच्छी बात है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो जो स्टॉक्स बहुत छोटे होते हैं उसमें हमेशा कम पैसा ही लगाना होता है सीखने के लिए। अभी प्रॉब्लम किसको हो जाएगी पता है? जिन्होंने लाखों रुपया लगाए होंगे, है बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जो लाखों रुपया लगाते, क्यों? फटाफट रिटर्न के चक्कर में। सो ऐसे फटाफट रिटर्न के चक्कर में कभी जाना नहीं होता है। जहाँ पे भी आप लोगों को डाउट है, मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, डिक्सन में मैंने खुद निवेश किया था 2000 रुपये से, बट वो स्मॉल कैप था, मैंने कम ही लगाया था। देन मिड कैप, देन हल रिजल्ट में धीमे धीमे मैं लगाता था। मैं लमसम लगा देता तो मुझे गजब का प्रॉफिट होता, बट मेरी रिस्क भी उतनी ही बढ़ती। एंड मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि मार्केट में लंबी पारी खेलनी है तो रिस्क मैनेज करके चलना पड़ता है। जिस दिन आप लोग ग्रेडी बन गए उस दिन समझ लेना कि आपका उल्टा काउंटडाउन शुरू, क्योंकि बाजार कभी ना कभी आपको ज़बरदस्त झटका देगा। सो ऊर्जा ग्लोबल की बात करें, ये फ्रॉड वाली न्यूज़ के चलते हम लोग कह सकते हैं, मैं अगेन कह रहा हूँ, इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, देन केस चलेगा, कोर्ट जब बताएगा सारी चीज़ें होगी, बट फिलहाल बाजार को इन चीज़ों से रिलेटेड नफरतें, अनसर्टिनिटीज़ बढ़ जाएंगी। सो बाजार ऐसे स्टॉक से अभी मुझे लगता है कि दूर होना ही पसंद यहाँ पे कर सकता है। सो ऊर्जा ग्लोबल भी हम लोग कहेंगे यहाँ पे, अभी हम लोग सिर्फ स्टडी करने के लिए करेंगे, पहले भी स्टडी करने के लिए करते थे, बट जो छोटा सा स्टॉक भी हम लोगों ने यहाँ पे पोर्टफोलियो में रखा था सीखने के लिए, सो उसमें भी अभी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ज़्यादा मतलब जो रिटर्न्स भी मिल रहे थे 2 रुपये से अभी, वो भी अभी हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ज़्यादा जिसकी इन्वेस्टमेंट रहेगी उसके लिए तो बहुत ही खराब बात है,
राइट, लालच उसको यहाँ पे महंगा पड़ जाएगा। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग शुड, तब तक के लिए बाय बाय।